करके जादू टोना बता करके उसको गांव से निकाल देते हैं, फिर उसकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इस समाज में जब कोई कमजोर अपने हक और अधिकार की बात करता है तो सबसे पहले उसको अपमानित किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम होता है? बार बार झूठ बोलने से क्या झूठ सच होता है क्या? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूं, आज अगर आप तिरंगा अपने हाथों में लेकर के अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि यह सरकार बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, हमारे बच्चों को 2 करोड़ नौकरी हर साल क्यों नहीं मिली, क्यों किसानों के फसल का दाम दुगना नहीं किया गया, क्यों महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा ये तो देशद्रोही है। सवाल नहीं पूछना, सरकार की चापलूसी करना, ये देशद्रोह है मेरे दोस्त। और ये याद रखना कि जब भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम रहे थे, उस वक्त भी कुछ लोग अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चुस्की ले रहे थे। याद रखना कि देश लोगों की कुर्बानियों से बनती है, चाय की चुस्कियों से नहीं बनता है। और आज जो इस देश के नौजवान, इस देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ उसी तरीके से उनको बदनाम किया जाता है जिस तरीके से एक विधवा महिला को बदनाम करके उसकी जमीन छीनने की साजिश रची जाती है। उन विद्यार्थियों की हालत यह है कि आप पटना जाकर के देखिए कि किस स्थिति में वो पढ़ता है बेचारा। इतना छोटा छोटा कड़कट के रूम में 2,000 रुपया किराया देता है, एक ट्यूशन से निकलता है दूसरे ट्यूशन में जाता है और रोज खिचड़ी बना करके खाता है। खिचड़ी बना करके खाते खाते उसकी हालत ये होती है कि उसको जॉइंडिस हो जाता है। आपके आसपास का जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता होगा पटना, देखिएगा वो 2-3 महीने में लौट करके आता है, उसको जॉइंडिस हो जाता है। बेचारा साइकिल को पोल में बांध करके चेन लगा करके जाता है। चोर को भी देखिए, चेन भी ले जाता है और साइकिल भी उठा के ले जाता है। हम लोग जब पटना में पढ़ते थे तो बहादुरपुर गुमटी जब पास करते थे तो एक हाथ से साइकिल चलाते थे और एक हाथ से किताब पकड़ करके रखते थे, काहे कि चोरवा किताबें खींच के भाग जाता था। चोर मत बनो यार, चोर मत बनो। आज जो हमारी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया है ये कायरता है। हम तुम्हारे घर में आए थे, चोर की तरह पत्थर मार करके भाग गए। अगर तुमको लगता है, अगर तुमको लगता है कि तुम देशभक्त हो तो आओ ना, सीने पे खाओ ना गोली। हम हैं देशभक्त, हम हैं देशभक्त, सामने से तुम्हारा मुकाबला करते हैं और तुमको बिहार की इस मिट्टी से, बिहार की इस मिट्टी से चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं और जितनी बंदूकें हैं तुम इस्तेमाल कर लो, सारी बंदूकों की गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको बता देते हैं, तुम्हारी जो बिकी हुई मीडिया है उससे तुमको जितना बदनाम करवाना है तुम बदनाम करवा लो, लेकिन हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको बता देते हैं कि तुम्हारे जितने पैसे वाले दोस्त हैं उन पैसों का तुम इस्तेमाल कर लो, लेकिन याद रखना हमारे साथ जो इस मैदान में खड़े हुए लोग हैं उनका ईमान बिकाऊ नहीं है। बोलिए, हमारा ईमान बिकाऊ है क्या? इसीलिए देश इस संकट की घड़ी में खड़ा है। इस संकट की घड़ी में हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। एक तरफ एक हाथ में तिरंगा थाम कर, संविधान की प्रस्तावना को थाम कर हमको इस देश में जो आजादी मिली थी उस आजादी को हमको बचाना है, और दूसरी तरफ इस देश के जो आम लोग हैं उनका जो सवाल है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी आत्म सम्मान, उसको हमको बचाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि एक बड़ी साजिश CAA के नाम पर इस देश के भीतर रची गई है। क्या कहते हैं मोटा भाई? मोटा भाई कहते हैं कि CAA किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। तो हम भी आप लोगों से एक सवाल पूछ लेते हैं, आप लोग
किसी की नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? किसी को भी इस देश में नागरिक बनाया जाए उससे आपको दिक्कत है क्या? तो हम लोग भी खिलाफ में नहीं है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या वहां है कि ये हमारे साथ कोना कोना कौन कोना सौतुली पुतह कोना खेल रहा है। कोना कोना कौन कोना सौतुली पुतह कोना ऐसे खेल रहे हैं कि पहले इन्होंने देश को कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, और जब एनआरसी असम में हुआ, असम एक हमारा ही राज्य है, तो वहां पे यह हुआ कि 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर किया गया, और उस 19 लाख में से 15 लाख लोग कौन हैं? कौन थे? मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुसलमान थे। और जब 15 लाख लोग गैर मुसलमानों का नाम उससे बाहर हुआ तो इनको लगा कि आए बाप, ये तो वोटे गड़बड़ा जाएगा, ये जो राजनीति कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये तो राजनीति बंद हो जाएगा, दुकान चलेगा कैसे? इनको लगा कि दुकान का शटर गिरने वाला है। एक बात पहले आप सब ध्यान खोल कान खोल करके सुन लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब से बीजेपी आई है तब से ही हिंदू खतरे में चला गया है? बीजेपी 1980 में बनी है, उससे पहले हिंदू धर्म था कि नहीं था? द्वापर में भी, कलयुग में भी, हाँ ना भाई? शास्त्र के हिसाब से हम ऐतिहासिक तथ्य पे नहीं जा रहे हैं। तो भाजपा के बनने से पहले भी हिंदू था, और ए भाजपाइयों, धर्म का धंधा करना बंद कर दो, कान में कड़वा तेल डाल करके सुन लो कि तुम्हारे नहीं रहने के बाद भी हिंदू धर्म रहेगा। तो ये हिंदू धर्म खतरे में है, इसकी राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि देश के 85% लोगों को, 100 में से 85 को यह समझाया जा रहा है कि तुम 15 से डर करके रहो। बताइए ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है क्या? हर जात का अपना अपना टोला होता है, और हर जात अपने टोला में शेर होता है, होता है नहीं होता है? ये जो था छोड़ा सब गमछा ओढ़ के आया था, अपने घर के मुखा पर जो है हमको पत्थर फेंक रहा था, बताइए। तो उसका मोहल्ला है, उसका टोला है, अपना पत्थर फेंक रहा था, तो रे नूनू हम भी लंदन से नहीं आए हैं, हम भी बिहारी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, हमको सब खेला मालूम है। ये तुम धर्म को बचाने का नाटक कहीं और करना, तुम्हारे जन्म लेने से पहले तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के भी पैदा होने से पहले ये धर्म था, और तुम्हारे बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के बाद भी ये धर्म रहेगा। इसलिए धंधाबाजी करना बंद करो। ये धंधा ये है कि 85 लोगों को समझा रहे हैं कि 15 लोगों से डरो, और 99 लोग जब इसमें उलझे रहेंगे तो 99 लोगों की संपत्ति हड़प करके, जब्त करके अपने दोस्त नीरव मोदी को ये दे देना चाहता हूं। जब आप लोग हिंदू मुसलमान का बहस कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त आपने